हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश कुमार। आप देख रहे हैं मिस्टर रितेश टेस्ट चैनल। मिस्टर रितेश टेस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि आप स्मार्टफोन जरूर यूज करते होंगे फ्रेंड्स, उस स्मार्टफोन में कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड पर आप इमेज जरूर सेट किए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि उस इमेज को आप कैसे चेंज करके फिर से लगा सकते हैं कीबोर्ड पर इमेज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो कीबोर्ड आप यूज करते हो, उस कीबोर्ड वाले एप्लीकेशन को ओपन करना। जैसे मैं जो कीबोर्ड में यूज करता हूँ, उस कीबोर्ड को एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे कि उस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, उस कीबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद जैसे कि इस तरह से इंटरफेस निकलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर थंबनेल निकल रहा है, उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद निकलने के बाद यहाँ पर माय इमेज आ रहा है फ्रेंड्स, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर देखते हैं गैलरी आ रहा है फ्रेंड्स, गैलरी में जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना इमेज चॉइस करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कोई भी इमेज चॉइस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये इमेज चॉइस कर लिया फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, उस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आप जितना ब्राइटनेस दे सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं 40% ब्राइटनेस दे देता हूँ, 50% दे देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद डन कर देता हूँ। कुछ इस तरह से डन करने के बाद बैक आ जाना है फ्रेंड्स। बैक आने के बाद आपका कीबोर्ड में इमेज सेट हो चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में दिखा देता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से इमेज सेट हो चुका है फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सेट हो चुका है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से आप इमेज चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।